नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद रजनी में फ्रेंड्स ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम में 27 बारह 2021 को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी सारे इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ राजस्थान के एग्जाम्स में किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप इन क्वेश्चंस को देखकर समझें और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझें तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको इसका वॉइस चेंज करना है तो इस सेंटेंस को आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस है देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम तो पेसी वॉइस में इसको चेंज करेंगे इसका मतलब है हमें क्या चाहिए हमें बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए पेसी वॉइस का रूल है बी प्लस वर्ब थर्ड तो बी प्लस वर्ब थर्ड देखो और टेंस चेंज नहीं होगा एक्टिव का पैसिव में जब चेंज करेंगे तो टेंस चेंज नहीं होगा टेंस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है एक्टिव पैसिव में नहीं होता है तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा वॉज तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा बी ऑप्शन देर इज़ नो चार्ज मेड आ गया तो बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये भी कैंसिल है ये भी एलिमिनेट हो गया सी ऑप्शन है देर इज़ नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम सी ऑप्शन सही है देर इज़ नो चार्ज टू हैव मेड अगेंस्ट हिम तो डी ऑप्शन वैसे ही गलत है क्योंकि हैव जो है वो बी की फॉर्म नहीं है तो ये रूल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का कि एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हमें चाहिए बी प्लस वर्ब थर्ड सी ऑप्शन यहाँ पर सही है देर इज नो चार्ज टू मेड सॉरी सी ऑप्शन है देर इज़ नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम नेक्स्ट लेंगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ़ द ईडियम ईडियम दे रखा है उसका करेक्ट मीनिंग चूज करना है ईडियम है फीलिंग अंडर द वैदर मीन्स तो फीलिंग अंडर द वैदर ये जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या है टू फील इल मतलब इल फील करना बीमार फील करना नेक्स्ट है डू यू नो वैन शी विल गो होम आई सेट टू हिम डायरेक्ट स्पीच दे रखा है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को चेंज करो तो डू यू नो प्रेजेंट सिंपल है इसका पास्ट सिंपल बन जाएगा ओके तो आई आस्ट हिम दैट दैट से कनेक्ट नहीं करेंगे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इसको इफ़ या वेदर से कनेक्ट करेंगे या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से कनेक्ट करेंगे तो ए ऑप्शन रॉन्ग है बी है आई आस्ट हिम इफ़ ही नो तो नो कैसे आएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका सिंपल पास्ट हम बनाएंगे तो नो बी ऑप्शन भी गलत है सी ऑप्शन है आई आस्ट हिम इफ ही न्यू वेन शी विल गो अब विल आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा कि क्योंकि विल का जो है वो वुड में चेंज होगा तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा आई आस्ट हिम इफ ही न्यू वेन शी वुड गो होम तो डी ऑप्शन इसका सही है नेक्स्ट हम लेंगे एटी सिक्स का फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेंटेंस है ए कंगारू कैन जंप अब चार ऑप्शन है हायर टू हायर देन हाईएस्ट टू और हाईएस्ट देन ए रेबिट इतना तो आपको पता है कि जब दो लोगों में कंपेरिजन होता है तो हायर देन कंपेरेटिव डिग्री आएगी मतलब सी और डी तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि हाईएस्ट तो आएगा नहीं सी और डी जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं बचा क्या सिर्फ ए और बी बचा अब कई स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि हायर टू ले लेता है और हायर देन करें क्या करें इसमें बी ऑप्शन सही है हायर देन उससे कंपेरिजन हो रहा है रैबिट से तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा हायर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस दे रखा है उसको अप्रोप्रिएट वर्ड्स uh, से उसको फिल करना है सेंटेंस पढ़ेंगे कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर ब्लैंक है दैट मनी इज़ पावर आई ब्लेंक दैट नॉलेज इज़ पावर इसका हो जाएगा कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ ओके तो पॉपुलर बिलीफ बिलीफ जो है वो नाउन है ओके okay? और बिलीव जो है वो वर्ब है बिलीव करना विश्वास करना और बिलीव है वो नाउन है तो बिलीफ और बिलीव ए ऑप्शन इसमें सही होगा नेक्स्ट लेंगे एट्टी एट सिनोनिम्स दे रखे हैं और उन वर्ड्स दे रखे हैं उनके सिनोनिम्स देखने हैं एक्सेस एक्सेस का सिनोनिम होता है अप्रोच रिट्रीव रिट्रीव का सिनोनिम होता है रीस्टोर एमोल्यूरेट का होगा इम्प्रूव और ऑल्टर का होगा चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्टी फोर फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब से ब्लैंक को फिल करना है सेंटेंस पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय अर्ज इंडियंस टू ब्लैंक अनटचेबिलिटी। अब डू से बनने वाली फ्रेजल वर्ब इसमें फ़िल करनी है तो इसमें आएगा अनटचेबिलिटी को उन्होंने क्या किया था डू अवे विद ए ऑप्शन इसका सही होगा राजा राम मोहन रॉय अर्ज इंडियंस टू डू अवे विद अन एट्टी फोर में ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट लेंगे 85। फाइव इसमें क्या करना है ईडियम्स दे रखे हैं और उनके मीनिंग्स आपको देखने हैं फर्स्ट है ए रेड लेटर डे तो ए रेड लेटर डे मींस ए स्पेशल नोटवर्दी और मेमोरेबल ओकेजन टू स्मेल ए रेड टू स्मेल ए रेड का हो जाएगा टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अन मींस मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीव इसका होगा टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट तो ये था 85 फाइव अब 85 फाइव में मैच कर लो आप जो जो मैंने बताए हैं 85 फाइव में ए ए में आएगा फोर्थ मतलब बी ऑप्शन बी ऑप्शन 85 का सही होगा नेक्स्ट हम लेंगे 89 का 88 एट का मैं आपको बता चुकी हूँ सिनोनिम्स तो 88 एट वाले में जिस तरह से मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं एक्सेस का अप्रोच रिट्रीव का बताया था रिस्टोर एमेट का बताया था इम्प्रूव और ऑल्टर का बताया था चेंज तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा एट्टी एट में एट्टी नाइन का लेंगे ए न्यू ब्रिज इज बींग बिल्ट ब्लैंक द रिवर नायर अप्रोप्रिएट प्रशन से इसको फिल करना है देखिए ब्रिज जो है उसके लिए रिवर के ऊपर अगर ब्रिज है उसके लिए ओवर का यूज़ होता है ठीक है लेकिन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ओवर तो आपको मजबूरी में क्या यूज़ करना पड़ेगा ऑन यूज़ करना पड़ेगा ड्यूरिंग तो कभी नहीं आएगा इन भी नहीं आएगा क्योंकि नदी के अंदर नहीं बनेगा ब्रिज एट भी नहीं आएगा यहाँ पर कई स्टूडेंट्स जो थे वो एट और ऑन में कन्फ्यूज थे तो अगर इसमें ओवर ऑप्शन होता तो हम ओवर का ही यूज करते क्योंकि ओवर ब्रिज बोलते हैं तो वो ओवर रिवर आएगा इसमें ओन जो है वो सही आंसर होगा बी ऑप्शन नेक्स्ट द लॉइन इज ए फ्योर्स वाइल्ड एनिमल इन दिस सेंटेंस द लॉइन स्टैंड्स फॉर अब ये पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में द लोइन ये क्या है मतलब किसके लिए यूज हुआ है तो द लोइन यहाँ पर द होल क्लास ऑफ लॉइंस सभी लॉइंस के लिए यूज़ हुआ है ये जो लॉइन है ये सभी क्लास के लॉइन्स के लिए यूज़ हुआ है मतलब पूरे लॉइंस के लिए इसका ए ऑप्शन सही होगा अगर पर्टिकुलर लॉइन की बात करते तो किसी पिंजरे में या किसी जू के पर्टिकुलर लॉइन की बात होती लेकिन यहाँ पर द लॉइन द होल क्लास ऑफ लॉइंस के लिए यूज़ हुआ है ये मैंने आपको करवाई है इंग्लिश के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट